हेयर विद कंचन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, अगर आपकी भी शादी होने वाली है, आप दुल्हन बनने वाली हैं और चाहती हैं शादी वाले दिन खूबसूरत दिखना, तो इस वीडियो को आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स जो आपके बहुत काम के हैं। अगर आप इनको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे शादी वाले दिन आपका जो चेहरा है ये चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और हाँ, जो इनकी शादी नहीं भी हो रही है, जो मैरिड है, ये वीडियो उन सब के लिए है जो खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करनी होगी वीडियो। कहाँ से शुरू करूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज से। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है कैस्टर ऑयल और इसको थोड़ा सा कॉटन पे लीजिए, ईयरबड में लीजिए या फिर अपने फिंगर्स में लगाइए और उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपको लगाना है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, और रात में लगा के सो जाइए। फिर आप देखेंगे कुछ ही दिन के एप्लीकेशन के बाद आपकी जो आईब्रो हैं इतनी घनी हो गई हैं आप इसको आई लैशेज पे भी ट्राई कर सकते हैं। हल्के से आप कैस्टर ऑयल लीजिए और उसके बाद ऐसे ऐसे करके लगाइए अपनी पलकों पर, आप देखेंगे आपकी पलकें भी घनी हो गई हैं और आईब्रो काली और घनी हो जाएंगी अगर आप इस एप्लीकेशन को करेंगे। अगर आपकी शादी के चाहे 10 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं या 20 दिन भी बचे हैं, आप इसको ट्राई करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ ही एप्लीकेशन के बाद देखेंगे, कुछ ही दिन के बाद देखेंगे कि आपकी जो चेंजेस आएंगे उसको आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद अगर आपके होंठ काले हो गए हैं या प्लम्प नहीं है या बिल्कुल पिचके पिचके हैं, तो उसके लिए आपको लेना है एक चम्मच दालचीनी पाउडर। ये आप सबकी किचन में मिल जाएगा बड़े आराम से। दालचीनी आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, आपकी जो कालापन है लिप्स का उसको हटाती है। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शहद और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे और फिर उसको जो है थोड़ी देर के लिए सूखने देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए, और फिर जो है अपने हाथों से हल्के हल्के रब करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे या पानी से धुल लीजिए। ये देखिए आपके लिप्स कितने अच्छे हो गए हैं। और उसके बाद आपको कल अप्लाई करना है कोई भी लिप बाम जो लगाते हैं डेली यूज में। इसके लिए मैं जो आपको उपटन बताने जा रही हूँ वो इतना काम का है ना गाइस, इतना अमेजिंग है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, अगर आपकी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे फ्रैकल्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गए हैं, एक्ने के स्पॉट्स हैं, पिंपल्स के स्पॉट्स हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे आपकी इस रेमेडी से। तो इसके लिए आपको लेना है चावल। यहाँ हम 2 चम्मच चावल लेंगे। आप जानते ही हैं चावल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो आपकी स्किन को टाइट तो बनाते ही हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं, आपकी स्किन को वाइट करते हैं, ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं। जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है मसूर की दाल। यहाँ हम लगभग 2 चम्मच मसूर की दाल लेंगे। उसके बाद मसूर की दाल जो है आपके काली परत को बिल्कुल हटा देती है, जिसके अंदर जो विटामिन होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन की रंगत को निखारते हैं। हमें क्या करना है, हमें ग्राइंडर लेना है और उसके बाद इसको दोनों को पीस लेना है। आगे भी इसमें इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद जब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और एक फाइन पाउडर तैयार हो जाएगा, अब हम इसको छान लेंगे। उसके बाद ये जो ऊपर थोड़ा सा बचा है इसको हम एज अ स्क्रब यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको अलग रख देंगे और ये देखिए छानने के बाद ये फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब हमें इसमें मिक्स करना है बेसन। इसमें हम मिक्स करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन जो है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को खूबसूरत बनाता है। अगर चेहरे पर जो हल्के हल्के रोए होते हैं उसको साफ करने में भी बेसन का बहुत बड़ा रोल होता है। बाद जो हमारा फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। आप जानते ही हैं हल्दी तो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है किसी भी शादी का। हल्दी चढ़ाना हो, तेल चढ़ाना हो, तो भैया बिना हल्दी के कोई उपटन नहीं। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपकी स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब हल्दी से ठीक होती हैं, इसलिए जो है शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है। तो हमें लेना है यहाँ 1 चम्मच हल्दी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके रख देंगे। ये देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच उबटन लेना है
और उसमें डालनी है। अब मैं आपको तीन ऑप्शन दे रही हूँ, या तो आप इसको दही के साथ मिक्स कीजिए, या फिर कच्चा दूध ले लीजिए, या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका गुलाब जल। इन तीनों में से आप किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, जो भी आपको सूट करता है आप उसके साथ मिक्स कीजिए। और हाँ, अगर आप इसके साथ मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप सादे पानी के साथ ही मिक्स कर लीजिए, वो तो बहुत ही सिंपल और कुछ करना नहीं है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एयरटाइट कंटेनर में करके अपने बाथरूम में रख लीजिए, और शादी से कुछ दिन पहले साबुन से नहाना छोड़ दीजिए। इसी से ही आप नहाइए, जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो एक चम्मच लीजिए, और जिसके साथ आपको मिक्स करना है मिक्स कीजिए, और उसके बाद अपने हाथ पैर पूरी बॉडी पर अप्लाई कीजिए, अपनी स्किन पर, अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, हाथ पर अप्लाई कीजिए, पैर पर अप्लाई कीजिए। ये इतना अमेजिंग है ना, जब आप कुछ दिन इसको यूज़ करेंगे ना तो आप खुद ही देखेंगे आपकी जो स्किन है अंदर से ग्लो करेगी, और साथ ही स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो अगर आपको चेहरे को चमकदार बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो आपको ये लगाना होगा। तो इसके लिए ये जो मैंने बताया, इन तीनों से आप किसी भी ट्राई कीजिए, आइए, और उसके बाद लगभग 5 मिनट के लिए आप इसको लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे रब करके छुटा दीजिए। ये देखिए जैसे मैं छुड़ा रही हूँ, उसके बाद आप सादे पानी से नहा लीजिए, और उसके बाद जो आप देखेंगे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट और मुलायम हो जाएगी, इतनी नरिश लगेगी आपकी स्किन के, अब आप जब खुद लगाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे मैं क्या तारीफ करूँ इसकी। हमारा ऊपर जो बचा था पाउडर, इसको हम एज ए स्क्रब यूज करेंगे। स्क्रब के लिए या तो आपको पिसी हुई चीनी डालनी है इसमें, या फिर आप डालिए नमक। हम इन दोनों में से कुछ भी डालेंगे, एक चम्मच या तो नमक डाल लीजिए, या फिर एक चम्मच आप इसमें पिसी हुई चीनी डाल लीजिए। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों से ही हमारी स्किन की जितनी भी डेड सेल्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो सब निकल जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा वो है गुलाब जल। हम इस थोड़ा सा लगभग एक या डेढ़ चम्मच गुलाब जल डालेंगे, और इसमें डालना है लगभग हमें आधा नींबू, और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर उसके बाद स्क्रब कीजिए आप, या अगर आप चाहें कि पूरी बॉडी पर भी आप स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन इसको वीक में एक या दो बार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। आप उसको लगाइए, अपनी स्किन पर लगाइए, और उसके बाद जो है धीरे धीरे लगभग 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए, और उसके बाद सादे पानी से धुल लीजिए। हाँ, और जब उबटन लगाना है तो इसके बाद आपको उबटन लगाना है, पहले आप स्क्रब करेंगे उसके बाद देन आप उबटन लगाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं अगर आपके घुटने काले हैं, कोहनी काली है, या फिर गर्दन काली है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल हैक है, कुछ नहीं करना है, वो जो मैंने एक उपटन बताया था वो ही सारी बीमारी को दूर करेगा। तो इसके लिए आपको लेना है एक चम्मच उपटन, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोडा। इसमें आपको थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालना है, खाने वाला सोडा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये जो हमारी सारी गंदगी को हमारी स्किन से खींच लेता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू। अब हम इसको पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे, ठीक, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद अप्लाई करेंगे अपनी कोहनी पर, घुटने पर, गर्दन पर, जहाँ भी आप सोचते हैं, जहाँ भी आप देखते हैं कि आपकी स्किन काली है, वहाँ पर अप्लाई कीजिए, और उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दीजिए, फिर उसको धीरे धीरे रब कर लीजिए और सादे पानी से धुल लीजिए। हाँ, धुलने के बाद मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है, अपनी स्किन को ऐसे नहीं छोड़ना है बिना मॉइस्चराइजर के। आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं जैसे आपकी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करना है। अब बात आती है बालों की। अगर बाल आपके अच्छे नहीं हैं, बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, बालों में चमक नहीं है, या फिर आपके बाल टूटते हैं, पतले हो गए हैं, बहुत ज्यादा झड़ते हैं, और जो कंट्रोल नहीं हो रहा है जी झड़ना, इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल, और केवल 2 इंग्रेडिएंट्स से आपकी ये प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको लेना है एक प्याज, छोटा सा एक प्याज लीजिए, उसके बाद आप इसको ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करने के बाद इसका जूस निकाल लीजिए स्ट्रेनर की हेल्प से। देखिए जैसे मैं निकाल रही हूँ, अब ये हमारा जूस रेडी हो गया है। अब इस जूस में हम डालेंगे एक चम्मच कैस्टर ऑयल। अब हम इन दोनों को अच्छे मिक्स करेंगे, और उसके बाद कॉटन में डिप करेंगे, और अपने स्कैल्प है, हम ये ध्यान रखना है इसको रूट्स पे लगाना है, अपने छोटे छोटे सेक्शन करेंगे अपने बालों के, और उसके बाद जो है इसको अप्लाई करेंगे पूरे ऑल ओवर सिर में, और उसके बाद जो है 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आप करते हैं आप उसको यूज़ कीजिए, और उसके बाद जो है कुछ ही दिन के एप्लीकेशन के बाद देखेंगे आपको बालों का झड़ना और ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी।
जब पूरे शरीर की बात आती है तो हम अपने नाखूनों को क्यों छोड़ दें, हमें हमारे नाखून भी खूबसूरत होने चाहिए। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूटते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सा करना है, आपको लेना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये भरपूर होता है विटामिन ई से। इसको लीजिए और अपने नेल्स पर लगभग 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए और उसके बाद लगा के छोड़ दीजिए लगभग आधे घंटे के लिए, या फिर आप रात में कीजिए और ओवरनाइट छोड़ दीजिए, और सुबह के टाइम नॉर्मली जैसे आप अपने हाथ वॉश करते हैं ऐसे कर लीजिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके जो नेल्स का टूटना बंद हो जाएगा और आपके जो नेल्स हैं वो स्वस्थ और मजबूत लगेंगे। अगर उनमें कहीं दाग धब्बे हैं नाखूनों में आपके, या फिर कालापन आ गया है, या फिर उनकी चमक खो गई है, तो जब आप ये ट्राई करेंगे ऑलिव ऑयल लगाएंगे तो इससे आपके नाखून जो है हेल्दी हो जाएंगे। बात आती है हेयर्स को रिमूव करने की, तो इसमें लोग अलग अलग तरीके आजमाते हैं। तो इसमें कुछ लोग क्या होता है रेजर से करते हैं, रेजर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ रेजर से करना। अगर आपको हेयर्स को रिमूव करना है तो उसके लिए जो है वैक्सिंग बेस्ट ऑप्शन है। आप हमेशा वैक्सिंग को ही चूज कीजिए, क्योंकि वैक्सिंग कराने से जो आपकी डेड स्किन की लेयर होती है वो भी जो है क्लीन हो जाती है। आप देखेंगे आपकी स्किन टोन जो है 1 से 2 स्किन टोन बेटर हो गया है, और वैक्सिंग कराने से जल्दी से हेयर्स आते भी नहीं है। प्री ब्राइडल केयर तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं जो मैं बताती हूँ। आपको पर डे से कम 8 ग्लास पानी पीना है। अब आप सोचेंगे पानी का इसमें क्या रोल है, पानी का बहुत बड़ा रोल है। जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे निकल जाते हैं, और उसके बाद आप खुद 15 दिन पी के देखिए और आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है या आपकी स्किन है वो ग्लो करने लगी है। आपकी स्किन जो है ग्लो करती है अंदर से। ये है एक इंटरनल तरीका अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। अगर आप इसकी जगह कोई भी डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, या फिर जब आप पानी पीते हैं तो उसमें थोड़ा सा नींबू और शहद डाल लीजिए, या फिर नींबू ही डाल लीजिए। अच्छा, अब बात आती है अगर आप अपनी शादी के लिए वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपको वेट कम करने के लिए खाना नहीं छोड़ना है। अगर आप खाना छोड़ देंगे तो आपके चेहरे की जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा फाइबर बढ़ा दीजिए, सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, जिससे जो है आपका वेट कम करने में हेल्प भी होगी और आपको जितने भी ज़रूरी विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपको इनके थ्रू मिल जाएंगे। तो आपको जो है अपनी डाइट में इन चीज़ों को शामिल करना है, और साथ ही कोशिश कीजिए कि आप कैलोरीज वाले फूड जैसे जंक फूड, प्रोसेस फूड, ये सब छोड़ दीजिए। तो डेफिनेटली आपका वेट भी कम होगा और साथ ही आपके चेहरे पर चमक भी आएगी। आपको भरपूर नींद लेनी है, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए। अगर आप अपनी फियोंसी से बात करते रहेंगे तो सोएंगे कब, और सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रिलैक्स कब होगी। जब बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तो आपकी बॉडी का सिस्टम काम नहीं करेगा ठीक से, आपके फेस पर ग्लो नहीं आएगा, स्किन में ग्लो नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, भरपूर नींद लेनी है, जिससे नींद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नींद जब आप अच्छे से सोते हैं तो उस समय आपकी बॉडी जो है रिकवर हो रही होती है, आपके टिश्यूज जो है रिपेयर हो रहे होते हैं, तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जो है कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए और उसके बाद फ़र्क देखिए। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, अपनी शादी से 15 दिन पहले इस रिजीम को फॉलो कीजिए, और आप देखेंगे आपकी जो ओवरऑल बॉडी में जो चेंजेस आएंगे वो एकदम अमेजिंग होंगे। आपका जो लुक होगा इवन बेटर होगा, बहुत अच्छा लुक आएगा, निखर के आएगी आपकी स्किन। तो आप इसको ट्राई कीजिए और रिजल्ट जरूर जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसकी शादी होने वाली हो, या जो चाहता हो अपने आप को खूबसूरत बनाना। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं जल्दी ही मिलूंगी ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।